प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे व्यंजन की दूसरी लाइन पढ़ना सीखेंगे। च छ ज झ य। आज हम व्यंजन च से शुरू होने वाले शब्दों को उनके चित्रों से जानेंगे। च से होता है चम्मच, च से चकला, च से चरखा, च से चरखी, च से चना, च से चटाई, च से चीटी, च से चूहा, च से चीनी, च से चिड़िया। सभी बच्चे चिड़िया की कविता सुनेंगे व दोहराएंगे। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। व्यंजन च लिखने से पहले आइए बच्चों हम इस वर्कशीट को करते हैं। इस वर्कशीट में हमने लिखा है एक जैसी चप्पलों के जोड़े बनाओ। आप सभी बच्चे चप्पल पहनते हैं पैरों में, तो देखिए यहाँ पर मैम ने कलरफुल स्लीपर्स बनाई हैं। आपको इन्हें क्या करना है, मैच करना है। सभी बच्चे अपनी पेंसिल लेंगे तो हम यहाँ से मैच करना शुरू करेंगे। ये देखिए पीले रंग की चप्पल है, इसको हमें पीले रंग की चप्पल से मैच करना है। ये कौन से कलर की चप्पल है, हरे रंग की। हरे रंग की चप्पल आपको यहाँ नज़र आ रही है, आप अपनी पेंसिल से इसे मैच करिए। ये कौन से कलर की है, ये लाल रंग की चप्पल है, इसको हम लाल रंग की चप्पल से मैच करेंगे। धीरे धीरे पेंसिल लेके जाएंगे। ये कौन से कलर की है, बैंगनी कलर, पर्पल कलर की स्लीपर्स हैं, इसको यहाँ से ले जाएंगे पेंसिल से और यहाँ पर मैच करेंगे। नेक्स्ट, चित्र पहचानो और सही अक्षर पर गोला बनाओ। हम व्यंजन च पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अक्षर पहचानने हैं, इसमें च कहाँ लिखा है। अब आप देखिए ये जो इंजन है इसमें हमने लिखा है व्यंजन च, तो हम इसे सर्कल करेंगे पेंसिल से। ये है व्यंजन छ, छ से छतरी, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। अब हम च देखेंगे, ये च है और ये भी च है, ये व्यंजन छ है, तो हम व्यंजन छ पे गोला लगाएंगे। तो बच्चों ये तो थी आज आपकी वर्कशीट। इसके बाद अब हम अपनी फाइव लाइन की कॉपी में व्यंजन च लिखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमने डॉट्स लगाए हैं, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन आप सब बनाएंगे पेंसिल से। सेकंड लाइन से स्टैंडिंग लाइन और सेकंड लाइन पे स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन।
सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक लाएंगे स्टैंडिंग लाइन और सेकंड लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी और यहाँ बीच से पेंसिल को कर्व ले जाते हुए थर्ड लाइन पे लाएंगे। ये बन गया च, च से चकला। एक बार फिर से देखिए, थर्ड लाइन के जस्ट ऊपर एक हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ बीच से हम एक कर्व लेके आएंगे और थर्ड लाइन पे मैच इसको मिलाएंगे। जैसे चरखी, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, यहाँ से बीच में से पेंसिल को यहाँ से नीचे लेके कर्व लेके आएंगे और थर्ड लाइन पे मिलाएंगे। सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, कर्व लेके नीचे से और थर्ड लाइन पे मिलाएंगे। जैसे चम्मच, स्लीपिंग लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में हमें स्लीपिंग लाइन बनानी है और बीच में से पेंसिल से इसको नीचे कर्व लेके आना है और थर्ड लाइन पे हमें मिलाना है। च से चरखा, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, बीच से पॉइंट यहाँ पर एक डॉट लगाते हुए पेंसिल को नीचे घुमा के कर्व लेके थर्ड लाइन पे मिलाएंगे। च से चना, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, यहीं बीच से पेंसिल को नीचे ले जाएंगे कर्व बनाते हुए थर्ड लाइन पे लाएंगे। जैसे चटाई, जैसे चम्मच, जैसे चूहा, जैसे चीनी, चीनी मतलब शक्कर, जैसे चरखा, जैसे चम्मच। तो बच्चों आपने सीखा व्यंजन च लिखना। आप सभी 5 लाइन्स की कॉपी में व्यंजन च लिखने का अभ्यास करिए और अपने वीडियोस अपनी मैम को भेजिए। धन्यवाद।